नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त बोलू कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीजे बोलू राजगुरु। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एफ एल स्टूडियो मोबाइल में भोजपुरी सॉन्ग को रिमिक्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जिस सॉन्ग को रिमिक्स करना है उसका BPM चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप इस सॉफ्टवेयर को देख सकते हैं, इसी की मदद से हम इसका BPM सॉन्ग को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप इसको चाहें तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसका अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये एप्लीकेशन अभी ओपन हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सॉन्ग ले लेते हैं। तो सॉन्ग लेने के बाद इस प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और फिर ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो जहाँ पे हम बता रहे हैं वहाँ पे आप देख सकते हैं फोल्डर जैसा आइकन बना हुआ है, वहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। और जैसे कि आपका जो भी फोल्डर में सॉन्ग रहेगा वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके लिए अपना फोल्डर में है और इस सॉन्ग को हम ले लेते हैं। ठीक है, और कोई भी सॉन्ग को अगर BPM चेक करना है तो उसको प्ले करके सुनना है, क्योंकि ऐसे अगर BPM चेक करते हैं तो उसका गलत BPM बता देगा। ठीक है, लेकिन अगर प्ले करके सुनेंगे तो उसका बराबर बताएगा। ठीक है, तो हम प्ले करते हैं। तो आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे इसका BPM है 128। ठीक है, तो हम चलिए FL Studio मोबाइल में चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपना FL Studio मोबाइल को ओपन करते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो सिंपली हम प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ऑडियो क्लिक पे, और जहाँ पे अपना सॉन्ग रहेगा, आप फिलहाल हम तो अपना ऑडियो में सॉन्ग रखे हुए हैं तो हम ऑडियो से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको आप यहाँ से देख सकते हैं TMP लिखा हुआ है, टेम्पो, यहाँ पे आपको सेट कर लेना है जो हमने उस सॉफ्टवेयर में देखे थे। तो इसका 128 था तो हम यहाँ पर 128 कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं 128 हो चुका है। ठीक है, आप टाइप पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले इसका हम बेस लाइन मैच कराते हैं। ठीक है, तो इसका बेस लाइन मैच कराने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ से बेस मार रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला की कहाँ पे मार रहा है। ठीक है, तो हम देख इसको प्ले करते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली देख सकते हैं इसका बेस लाइन यहाँ से मारा है। ठीक है, तो फिर से दिखा देते हैं, ये वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसको सेट कैसे करना है आप देख सकते हैं, ये 20 नंबर यहाँ पे है तो 20 नंबर के बाहर के गिर रहा है। ठीक है, यानी बेस लाइन बाहर गिर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस आइकन पे चलना होगा और इसको ब्लैक कर देना है। ठीक है, सी के आइकन पे जाने के बाद और सॉन्ग को ऐसे क्लिक करना है, यानी डबल क्लिक करने के बाद इसको खींच लेना है। ठीक है, और इसको 21 नंबर पे जाके रख देना है। ठीक है,
आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 21 नंबर पे ला के रख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़िया से सेट कर लेना है। ठीक है, ये अभी बराबर सेट नहीं हुआ, अब ये सेव हो चुका है। ठीक है, आप सुन सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो उसके बाद जब सेट हो जाएगा उसके बाद इसको बंद कर देना है। बंद करने के बाद यहाँ पे टाइप करके उसके बाद प्लस का आइकन पे चलना है और यहाँ पे ड्रम सिक्वेंसर और फिर एक कट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और फिर इसको कट वाला पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ से ये जो देख सकते हैं ये डब्बा खुला है ना, तो उस डब्बे में एक डब्बा ले लेते हैं। ठीक है, ये डब्बा खुल गया है और उसके बाद इसको एडिट कर लेते हैं, यानी इसमें सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एक मिनट उसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और उसके बाद जिसमें आप सैंपल रखे होंगे, हमारा सैंपल इसमें तो हम इसमें ले लेते हैं, सॉरी फटाफट ले लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे जब लगाएंगे उसके बाद आपको बताएंगे। ठीक है, और एक चीज ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं और चलिए उसको दिखा देते हैं। सॉरी क्या हो गया, तो यहाँ पे हम इसको एडिट पर क्लिक करते हैं और ये हीट हाइट को ऐसे लगाते हैं, आप देख सकते हैं काला का तीसरा सफ़ेद का तीसरा, काला का तीसरा और सफ़ेद का तीसरा। ठीक है, उसके बाद ये है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड को काला का लास्ट सफ़ेद का तीसरा और काला का लास्ट सफ़ेद का तीसरा। ठीक है, और उसके बाद ये है हार्ड डोर, तो हार्ड डोर को हम काला का लास्ट सफ़ेद का लास्ट, काला का लास्ट और सफ़ेद काला। ठीक है, और उसके बाद ये है लोड होल, तो लोड होल को हम सिंपली सफ़ेद का तीसरा और फिर सफ़ेद का तीसरा लगा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये है, ये भी एक प्रकार का ढोली है, तो इसको ऐसे लगा देते हैं जैसे हमने इलेक्ट्रो लगाया था। ये देख सकते हैं काला काला सफ़ेद का तीसरा और काला काला सफ़ेद का तीसरा। ठीक है, और उसके बाद ये है इलेक्ट्रो, ये है, तो इसको हम नहीं लगाते हैं क्योंकि फिलहाल हमने दो इलेक्ट्रो लगा चुका है। ठीक है, तो अभी हार्ट किक लगाते हैं, तो हार्ट किक को हम काला का फर्स्ट सफ़ेद का फर्स्ट, काला का फर्स्ट और सफ़ेद का फर्स्ट। ठीक है, और इसके बाद ये घुंघरू है, ठीक है, तो इसको भी लगा लेते हैं इसके नीचे। ठीक है, और सुन लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम म्यूजिक बैकग्राउंड कम कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस पर क्लिक कीजिएगा सॉन्ग पे, सॉन्ग पे क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना है और उसके बाद प्लस के आइकन पे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिक पे क्लिक करना है और इसको गिरा देना है और इसको थोड़ा कम गिराना तो चलेगा, ये सबको थोड़ा थोड़ा गिरा लेना और इसको थोड़ा इतना गिरा लेना। ठीक है, उसके बाद फिर से हम प्लस के आइकन पे चलते हैं और इसको ले लेते हैं, आप देख सकते हैं तो हमने इसको ले लिया और फिर उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं, आपको बता रहे हैं आप देख सकते हैं इस पर। ठीक है, और उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको पूरा नीचे कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको पूरा हमने 120 माइनस कर दिया है। ठीक है, और इसको हमको 350 कर लेना है, तो 350 हो गया और इसको हमको 15 कर लेना है। ठीक है, तो हमने 15 कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद
उसके बाद फिर से प्लस के आइकन पे चलना है और फिर लिमिटेड मीटर, और उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली 70 कर देना है और इसको 15 कर देना है। 15 हो गया है, ठीक है। अब सुनते हैं, अब देख रहे हैं कि कितना इसका म्यूजिक बैकग्राउंड हट गया है, ठीक है। तो आप सिंपली सुनते हैं सॉन्ग को कि कैसे बज रहा है। तो ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा तो इसको हम बंद कर लेते हैं एक को, ठीक है। तो इसको हम बंद कर लेते हैं, आप सिंपली देख सकते हैं। फिलहाल में हम इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। जब मिक्सिंग कर लेंगे उसके बाद पूरा हटा देंगे, ठीक है। तो इसको हम बंद कर लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा समझ में आएगा मिक्सिंग करने में, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये 27 नंबर तक आ रहा है ये पैटर्न तक, ठीक है। तो इसको हम डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद इसको खींच लेते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ तक खींच लेते हैं, ठीक है। फिर सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सुन सकते हैं, तो यहाँ पे हम ब्रेक लगा लेते हैं। यहाँ पे कुछ ब्रेक लग रहा है, सॉरी, एक कुछ उल्टा से था पे क्लिक हो गया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे चलते हैं, प्लस के आइकन पे, और यहाँ से कुछ हम ब्रेक ले लेते हैं, ऑडियो क्लिप, और उसके बाद हम इस फोल्डर में चलते हैं, वहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ब्रेक कहाँ पे रखे हैं, इसके लिए एक ब्रेक रखे थे इधर, वो मालूम नहीं किधर चला गया, ठीक है। देख लेते हैं कि वो कहाँ पे है, मिल गया ये है। तो इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ से हमने इसको सेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ तक पूरा कर लेते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दूसरा पैटर्न खोज रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इस पर होल्ड क्लिक करते हैं, यानी होल्ड क्लिक करें, ऐसे दबा के रखेंगे, और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ऐड ट्रैक पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे एक और डब्बा खुल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे, यानी ये ख़त्म हो रहा है, उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ से हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे एक चीज़ और खोज रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एडिट पे चलते हैं, एडिट पे गए, हम देख सकते हैं यहाँ पे एडिट शो हो रहा है, एडिट पे गए, और उसके बाद इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रो को हटा लेते हैं, इलेक्ट्रो को हम हटा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको आप देख सकते हैं, काला का दूसरा और यानी काला का दूसरा और एक छोड़ के फिर, यानी दूसरा और लास्ट, फिर दूसरा और लास्ट, ठीक है। इस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप सुन सकते हैं कि जिस प्रकार से सॉन्ग है उस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है। तो सुनते हैं,
तो यहाँ पे अभी भी कुछ हार्ड की खोज रहा है, ठीक है। आप सिंपली देख सकते हैं, आप सुन रहे होंगे, ठीक है। आपको अगर सुनाई नहीं पड़ रहा तो हम वॉल्यूम तेज कर देते हैं, ठीक है, और फिर से आपको हम सुनाते हैं, ठीक है। आप यहाँ से सुन सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे एक डब्बा जब अगर हम लिया है तो इसको एक और यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे हार्ड की पे चलते हैं। यहाँ पे हार्ड की गए तो यहाँ पे पूरा पूरा एक डब्बा ले लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ बिंदु का ऑप्शन दिखा रहा होगा, तो बिंदु का ऑप्शन पे क्लिक करना है तो ये ऐसा खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसको पूरा खींच लेना ऊपर तक, और यहाँ पे आप अगर हाथ लगाएंगे तो ये कट जाएगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको पूरा ऐसे काटना है हमको, ठीक है, ऐसे यहाँ पे, यानी इसी प्रकार से वो खोज रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमको कट कर लेना है, आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से हमने कट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप सुनते हैं, तो ये पैटर्न कहाँ तक खोज रहा है, यहाँ तक खोज रहा है, ठीक है। तो इसको सिंपली यहाँ तक खींच लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से फिर वो खोज रहा जो अभी हम लगाए हैं इसके ऊपर, ठीक है, वो भी इस पर खोज रहा है, ठीक है। तो हार्ड पिक को फिर से हमने कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे दबाइएगा तो ये कॉपी हो जाएगा, यहाँ पे दबाइएगा तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो इस पर कॉपी कर लेना है। और उसके बाद जब ये डब्बा में ये है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे पेस्ट करना है, यहाँ पे, क्योंकि ए डब्बा में तो ये डब्बा में तो ये खुद ही है, तो यहाँ पे कैसे लग सकता है, ठीक है। तो आपको ए डब्बा में पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना, ये आ गया है, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ से हमने लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, आप फिर से सुना देते हैं आपको। तो फिर यहाँ पे दूसरा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो इसी को इसी पे क्लिक करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एडिट पे चलते हैं, और एडिट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं ये दोनों को हटा लेना है, इसको 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 हटा लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि और कोई हटाने लायक हो तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको हटा लेते हैं, हीट हेड को, और उसके बाद सुनते हैं। तो यहाँ पे और कुछ खोज रहा है, तो आप देख सकते हैं, इस पर एडिट पर क्लिक करते हैं, और हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ढोल में एक और लगा देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ये यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया, और उसके बाद सुनते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर भी वो पैटर्न खोज रहा है, आप देख यहाँ से। तो फिर हमको इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, आप देख सकते हैं। यानी आपको कभी भी पेस्ट करना होगा तो आप ये लंबा वाला लकीर देख रहे होंगे उसी से पेस्ट कर देना है। तो हमने पेस्ट कर दिया, अब सुनते हैं। तो अभी इसको हम कॉपी करते हैं, फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। यानी आप कभी भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, और उसमें जो हिसाब से म्यूजिक बजेगा उस हिसाब से आपको पैटर्न लगा लेना है। तो जैसे कि आपको सुना दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको
सॉरी, यहाँ पे सिर्फ हम आपको सॉन्ग सुनाते हैं, वहाँ पे कैसा बज रहा है आप सुन सकते हैं। अगर ये हम दो को नहीं लगाएंगे तो ऐसा नहीं बजेगा, ठीक है। ये दो को अगर नहीं लगाएंगे, ये दो और ये दो नहीं लगाएंगे तो ऐसा नहीं बजेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप कोई भी भोजपुरी सॉन्ग को बना सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि हमारे इस छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और तभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि आपको हम रिप्लाई दे सकें। कुछ भी आपको अगर फॉल्ट इसमें नज़र में आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और आपको हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, पूरा कोशिश नहीं, आपको रिप्लाई दे ही देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।